नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। यूपी चुनाव हो या बिहार चुनाव, प्राइम टीवी आपको हर एक चुनाव की अपडेट लगातार दे रही है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर भी हमारे संवाददाता लगातार गांव-गांव जाकर जायजा ले रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कितना हुआ है और जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास कार्यों पर कितनी उनको सुध है। इसी कड़ी में लखीमपुर के निघासन पर हमारी प्राइम टीवी की टीम पहुंची और वहां के विकास कार्यों का जायजा लिया। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं लखीमपुर के निघासन में किस तरह का विकास हुआ है और क्या वहां के जनप्रतिनिधियों को जरा सी भी निघासन की विकास कार्यों की सुध है। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जनपद लखीमपुर खीरी की ब्लॉक निघासन की ग्राम पंचायत खैराना में जहाँ पर विकास कार्यों का जायजा लेने, यहाँ पर मेरे साथ एक ग्रामीण मौजूद है। मैं सर जरा बात करता हूँ, क्या नाम है भाई? इसहाक अहमद। क्या आपको आवास शौचालय नहीं? आवास शौचालय कुछ नहीं मिला। सन 2010 में हमारी शादी हुई थी। आज तक पंचायत मित्र हमारे यहाँ का इमरान और उससे पहले प्रधान थे जो हमारे इकराम हुसैन थे, उन्होंने कुछ नहीं दिया। और बाद में ये सुरेश मौर्या हुए बोधिया के, इन्होंने भी कुछ नहीं दिया आज तक। जी बिल्कुल जायज़ है, शौचालय ठेके से बनवाए और हमको, हमारे भैया को और घर में दिए थे दो शौचालय, तो उन्होंने 2000 रुपये लिए थे। 1000 रुपये शौचालय लेकर के वो काम करते हैं। मेरे साथ एक युवक है, मैं इनसे बात करता हूँ कि योगी सरकार में इनको क्या क्या लाभ मिला है। भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद जियाउद्दीन। ये बताएं, आपको प्रधानमंत्री आवास शौचालय कोई सुविधा मिली? नहीं, हमको कोई सुविधा नहीं मिली। अब हमको कोई सुविधा ही नहीं मिली अभी। आप कहाँ पे रहते हैं? बस हम तो यहीं पीछे रहते हैं जी। शौचालय वगैरह कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। प्रधान से कहा गया तो बोला मिलेगी, बस ऐसे बताते जाते हैं बस। शौचालय मिले रहे तो वो भैया, हम गए लेटरिन का यहाँ तो शौचालय वो दब गए, वह मियाँ हम खुद मर जाते वो खाले बारू के जुड़वाई दी ना, रुपया 900 ले ली हमसे। हाँ, अपने आप बनवाई नहीं, मिस्त्री ने पैसा अपने आप दी नहीं। वो कहला हमका ये चाहिए हमारे होते हैं। हम लोग भैया पूछी तो कहा हम लोग यहाँ अपने दाल रोटी और खोई दी, हमारे लोगों ने कुछ। सरकार, ये योगी सरकार बड़े बड़े विकास के दावे करती है, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में विकास को दिखाते हैं कि ऐसा विकास जहां पर ना ही पति होना ना बच्चे हैं, और आज तक उस महिला को आवास नहीं मिला है। महिला से मैं बात करता हूँ, आवास वगैरह कुछ मिला? कुछ नहीं अभी। शौचालय मिला? कुछ नहीं। आपके पति हैं? नहीं है। आपकी कितनी बेटी थी? बेटी एक ही है, वो भी बेवा है। कुछ ना है? कुछ ना है, कहन बहुत कुछ। प्रधान ने क्या कहा? ना। प्रधान का नाम क्या है? पहले तो प्रधान तो ये रहे एकराम प्रधान। इस समय कौन है? इस समय सुरेश प्रधान बोधिया वाले हैं। तो ये हम डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी की हकीकत आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी की ब्लॉक निघासन की ग्राम पंचायत खैराना में जहाँ पर ग्राम पंचायत की हकीकत जानने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं प्रधान के पुत्र। मैं उनसे जानकारी लेता हूँ क्या क्या विकास कार्य करवाया गया। जैसे हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग है, शौचालय है और RCC इंटरलॉकिंग वगैरह, ये सामुदायिक शौचालय है, पंचायत भवन है, ये सारे काम किए हैं। आवास भी हैं करीब करीब 350-300 करीब करीब 100 आवास भी हैं, 600 वगैरह करीब शौचालय भी हैं और कई ऐसे खड़ंजा निर्माण है बहुत सारे। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं, हमारे यहाँ शौचालय ठेके से नहीं बनाए गए, लाभार्थी स्वयं बनाए हैं। और जो आपको सूचना मिली, गलत सूचना। ये सरकार, मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं गांव के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हो या प्रधानमंत्री आवास के बारे में हो, लेकिन एक मामला ऐसा लखीमपुर खीरी की ब्लॉक निघासन क्षेत्र की ग्राम पंचायत खैराना का आया है जहां पर लाभार्थियों से आवास के या शौचालय के नाम पर धन उगाही की गई है। लखीमपुर खीरी से मोहम्मद आज़ाद हुसैन।